तो दुआओं का असर दिख गया है, लोकेश को बाहर निकाल दिया गया है। आपको बताते चले कि बोरवेल में फंस चुका था लोकेश, जिसके बाद लगातार जद्दोजहद की जा रही थी उसे निकालने के लिए और उसे सकुशल बाहर निकाला गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां जो लंबे रेस्क्यू के बाद, लंबे जद्दोजहद के बाद उसे बाहर निकाला गया और अब उसे सकुशल बाहर निकालने के साथ ही अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एम्बुलेंस के माध्यम से लोकेश को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। टीम देख सकते हैं, जो रेस्क्यू टीम लगी हुई थी लगातार रेस्क्यू कर रही थी और जैसे ही लोकेश बाहर निकला उसे जल्द से जल्द अस्पताल पहुंचाया गया। और जो दुआएं मांगी जा रही थी परिजन द्वारा, जो लोगों द्वारा दुआएं मांगी जा रही थी, उसका असर दिखाई दिया है। बोरवेल से लोकेश को बाहर निकाल लिया गया है, सकुशल लोकेश बाहर आ गया है। तो ये बड़ी जानकारी और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि आखिर ये जो लंबा रेस्क्यू चल रहा था वो रेस्क्यू का नतीजा क्या रहा। सफल रेस्क्यू जिसके जरिए लोकेश को बाहर निकाला गया, उसे अस्पताल पहुँचाया गया है और अब इलाज के बाद डॉक्टर बताएंगे कि आखिर लोकेश की क्या स्थिति है, जिसके बाद उसे परिजनों के पास भेज दिया जाएगा। लेकिन अब इसी के साथ ही तमाम नए सवाल और जुड़ जाते हैं कि आखिर अब अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी क्या कुछ इस पर कार्रवाई करेंगे और साथ ही साथ किस व्यक्ति का वो जमीन थी जहां बोरवेल खुदा हुआ था, किसकी लापरवाही थी जिसके चलते लोकेश उस लापरवाही की चपेट में आ गया और लंबे बोरवेल में गिर गया और जद्दोजहद करना पड़ा उसे बाहर निकालने के लिए। हालांकि सफल रेस्क्यू, सकुशल बाहर निकाला गया है लोकेश को और जो रेस्क्यू अभियान था वो सफल रहा। लोकेश को बाहर निकाल कर उसे अस्पताल भेजा गया है एम्बुलेंस के माध्यम से। तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं जहां 8 साल के मासूम लोकेश का रेस्क्यू किया गया और उसे सकुशल बाहर निकाला गया, अस्पताल भेजा गया एम्बुलेंस के माध्यम से। ये देखिए सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अस्पताल जहाँ पर लोकेश को पहुँचाया गया है और पूरी प्रशासनिक टीम इस दौरान उसके साथ मौजूद है और अब डॉक्टर के निरीक्षण के बाद डॉक्टर चेकअप करेंगे और उसके बाद ही पता चलेगा कि लोकेश आखिर अब कब तक घर जा सकेगा। और परिजनों द्वारा लेकिन जो दुआएं मांगी जा रही थी उस दुआओं का असर यहां पर देखने को मिला है जहां लोकेश सुरक्षित बाहर, उसे अभी सफल रेस्क्यू कर प्रशासन ने शासकीय चिकित्सालय लटेरी में भर्ती कराया गया है और अब देखना ये होगा कि आगे उसका किस तरह से इलाज किया जाता है, कहां कहां उसको दिक्कत है, अगर यहां पर अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको भोपाल या विदिशा रेफर किया जाता है या नहीं। लेकिन अभी फिलहाल में राहत की सांस ली होगी उसके परिवारजनों ने और प्रशासन ने भी कि लोकेश जो पिछले 24 घंटे से ज़्यादा समय उसको बोरवेल में जब हो गया था, अब उसकी सांसें चालू हैं और सांसें चल रही हैं और सफल रेस्क्यू करने के बाद उसको इस चिकित्सालय, जो मेरे पीछे आप देख रहे हैं लटेरी का शासकीय चिकित्सालय, इसमें भर्ती कराया गया है। लोकेश को इसी चिकित्सालय में उसको पहला ट्रीटमेंट दिया जाएगा, उसका इलाज किया जाएगा। लगातार पिछले 24 घंटे से उसका इलाज किया जा रहा था, उसको ऑक्सीजन दी जा रही थी और लोकेश जो जिंदगी और मौत के बीच में जो जंग लड़ रहा था अब हॉस्पिटल तक पहुंच चुका है और राहत की बात यह है कि उसकी सांसें अभी चल रही हैं। तो जिस तरह से हम पिछले 24 घंटे से लगातार आपको दिखा रहे हैं कि लोकेश जो अचानक कल सुबह खेत में बने एक बोरवेल के गड्ढे में गिर गया था, उसे प्रशासन ने सफलतापूर्वक उसका रेस्क्यू कर लिया है और अब उसे शासकीय चिकित्सालय लटेरी में भर्ती कराया गया है। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं इसी शासकीय चिकित्सालय में लोकेश को भर्ती कराया गया है और उसका यहाँ पर इलाज किया जाएगा, जिसके बाद उसे यहाँ से संभवतः हो सकता है कि भोपाल रेफर किया जाए। देख सकते हैं आप मेरे पीछे भीड़ तमाम यहाँ पर, जो पिछले 24 घंटे से लोग यहाँ के स्थानीय लोग जो लगातार इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन पर, इस घटना पर नज़र बनाए हुए थे, अब कहीं ना कहीं स्थानीय लोगों ने राहत की सांस ली होगी, प्रशासन ने भी राहत की सांस ली होगी। जिस तरह से लोकेश पिछले 24 घंटे से जिंदगी और मौत के बीच में जो जंग लग रहा था, अब उसको बचाकर इस शासकीय चिकित्सालय लटेरी में भर्ती कराया गया है। आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन, पुलिस के अधिकारी, एसपी और तमाम आला अधिकारी यहां पर मौजूद। इसी एम्बुलेंस से लोकेश को यहां तक लाया गया, यहां से घटना स्थल से यहां तक
इस एम्बुलेंस के माध्यम से लोग इसको यहाँ लाया गया और इस चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। अब देखने वाली बात यहाँ ये होगी कि अगर कोई दिक्कत या परेशानी आती है तो उसके बाद लोकेश को यहाँ से कहाँ रेफर किया जाता है। तो पिछले 24 घंटे से जो लगातार रेस्क्यू चल रहा था उसमें सफलता प्रशासन को मिली है और अब देखना होगा यहाँ से लोकेश को कहाँ भर्ती किया जाता है। कैमरा पर्सन अवे के साथ सुरेंद्र राजपूत, विदिशा लटेरी। तो देखिए लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां लोकेश को सकुशल बाहर निकाला गया, जो 50 से 55 फीट गहरा गड्ढा खोदने के बाद उसे रेस्क्यू किया गया और उसे बाहर निकाला गया, सकुशल बाहर निकाला गया। जो अभियान चलाया जा रहा था रेस्क्यू का वो सफल बताया गया और साथ ही साथ अब लोकेश को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। आपको बताते चले कि लटेरी के शासकीय अस्पताल पहुंचाया गया है जहां डॉक्टर्स उसकी जांच करेंगे और जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर क्या कुछ स्थिति है, कब तक उसे डॉक्टर्स की निगरानी में रहना है या फिर किसी और सामुदायिक अस्पताल के लिए रेफर करना है, ये डॉक्टर्स जांच के बाद बताएंगे। लेकिन जो राहत की खबर ये है कि लोकेश सुरक्षित है, सांसें चल रही है और जो रेस्क्यू ऑपरेशन है वो सफल हुआ है। ऑक्सीजन लगातार रेस्क्यू के दौरान दिया जा रहा था, ऑक्सीजन लोकेश तक पहुंचाई जा रही थी, साथ ही साथ जो नाइट विजन कैमरा है उसके माध्यम से लोकेश के मूवमेंट पर नज़र रखी जा रही थी और मूवमेंट पल पल की मिल रही थी, जिससे ये पता चल रहा था कि लोकेश सकुशल है, सुरक्षित है और अब उसे सुरक्षित बाहर भी निकाल दिया गया है। लेकिन अब इन तमाम घटनाओं को देखने के बाद सवाल कई उठते हैं और बार बार हर बार न्यूज़ स्टेट सवाल यही पूछता है कि आखिर और कितने बच्चों की जान खतरे में आती रहेगी और कब तक लापरवाही बढ़ती जाएगी, अधिकारियों द्वारा हादसे से पहले आखिर क्यों संज्ञान नहीं लिया जाता है। ये तमाम सवाल बार बार न्यूज़ स्टेट पूछता है और बार बार ऐसी घटनाएँ देखने को मिलती हैं जिसके बाद लोकेश जैसे तमाम बच्चे आए दिन इस तरह की घटना का शिकार होते हैं, बोरवेल में जा फंसते हैं, गिर जाते हैं, कुछ सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं तो कुछ अपनी ज़िंदगी से हाथ धो बैठते हैं और ये सब होता है लापरवाही के चलते। ऐसे में ये भी सवाल उठता है कि आखिर अधिकारी लापरवाहियों पर क्या कुछ एक्शन लेंगे। अब क्योंकि बात लोकेश की हो रही है, विदिशा की हो रही है, ऐसे में विदिशा में जो ये पूरा हादसा हुआ, अब इस हादसे के बाद इसका जिम्मेदार कौन, ये बड़ा सवाल। और इसके साथ ही अब जिम्मेदारों पर क्या कुछ एक्शन लेगा प्रशासन, क्या कुछ एक्शन लेंगे अधिकारी, इस पर भी नज़र बनी रहेगी। परिजन क्या कुछ मांग करेंगे अपनी तरफ से, ये भी एक सवाल, बड़ा सवाल जिस पर लगातार नजरें गड़ी रहेगी। तस्वीरें आपको लगातार लेकिन हम पल पल की दिखा रहे हैं जब लोकेश का सफल रेस्क्यू किया गया और उसे किस तरह से अस्पताल पहुंचाया गया। लेकिन जैसे ही लोकेश को बाहर निकाला गया, वैसे ही जो आसपास लोग मौजूद थे लगातार रेस्क्यू पर नज़र बनाए हुए थे और साथ ही साथ दुआएं कर रहे थे, उनकी आंखें खिल उठी कि लोकेश सुरक्षित बाहर निकल गया, लोकेश बोरवेल में अब नहीं फंसा और उसे बाहर निकाल लिया गया। जो कड़ी मेहनत, देखिए पहले दो चीजें, देखिए मैं आपको बस इतना बोलना चाहूँगा, कल ये 11 बजे की घटना थी, 11:30 बजे हमने बच्चे को ऑक्सीजन देना चालू कर दिया था, मेरे SDM साहब पहुँच गए थे और 11:30 जैसे ऑपरेशन चालू किया, तत्काल बाद हमने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन चालू किया था और ठीक 11:30 बजे यानी 24 घंटे के पहले हमने अपना रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा कर दिया। लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट है कि हम बच्चे को बचा नहीं पाए, लेकिन इसमें अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवेदना व्यक्त की पीड़ित परिवार के लिए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पीड़ित परिवार के लिए 4 लाख रुपए आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। सर कार्रवाई को लेकर क्या लापरवाही, देखिए दो चीज़ें हैं इसमें, उस बोर को न ढकने के लिए जो भी दोषी है तो
तो जो हमारा एक्ट है इसके लिए बना हुआ है उस एक्ट के तहत हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। ये भी इंश्योर किया जाएगा कि विदिशा में तो कम से कम बिल्कुल करेंगे। अब हम एक अभियान भी चलाएंगे, 7 दिन के अंदर सारे के सारे बोरवेल जितने भी हैं हम उनको यदि कहीं होंगे खुले तो उनको भी बंद करें। ठीक है, जो ऑपरेशन जिंदगी सुरक्षित करने का ऑपरेशन असफल रहा है। देखिए जिस तरह से जिला कलेक्टर ने यहाँ पर बयान दिया है कि जो बोरवेल की जो घटनाएं हैं, जो लोग जो किसान खुला छोड़ देते हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल में अब देखना ये होगा कि जिन लोगों की ये लापरवाही के कारण ये घटना हुई है उस पर क्या कार्रवाई होती है। वीडियो जर्नलिस्ट अभय के साथ सुरेंद्र राजपूत, विदिशा, लठेरी। तो देखिए एक दुखद जानकारी यहाँ पर जिला कलेक्टर द्वारा दी गई, क्योंकि जब रेस्क्यू किया गया और उससे बाहर निकाला गया लोकेश को, उस दौरान सांसें चल रही थी लेकिन अंत तक लोकेश जिंदगी की जंग लड़ता रहा और अंत में उसने जिंदगी की जंग से हार मान लिया और उसका निधन हो गया। जिला कलेक्टर द्वारा ये जानकारी दी गई। अब ऐसे में फिर यही सवाल उठता है कि आखिर कार्रवाई कब की जाएगी, कार्रवाई किन किन पर की जाएगी। तो बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा रहे हैं, जिंदगी की जंग हारा लोकेश, जिंदगी की जंग जो अब तक लड़ रहा था लोकेश, क्योंकि जब तक रेस्क्यू किया जा रहा था उसकी सांसें चल रही थी, उसे बाहर निकाला गया तब भी सांसें चल रही थी लेकिन अब बच्चे को नहीं बचाया जा सका, ये जिला कलेक्टर द्वारा जानकारी दी गई है। और फिर यहाँ इसी के साथ ही सवाल उठने शुरू हो जाते हैं कि आखिर ये लापरवाही कब तक बरती जाएगी और इस लापरवाही के चलते और कितनी मासूम जिंदगियां खतरे में आएगी। लोकेश को लेकर ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। मंगलवार को जब लोकेश गिर गया था उसके बाद से लगातार बोरवेल से उसे बाहर निकालने की जद्दोजहद की जा रही थी और उसे बाहर निकाला भी गया लेकिन अस्पताल ले जाते हुए उसकी मौत हो गई। और वो करेंगे हमारे सहयोगी सुरेंद्र की ओर। सुरेंद्र, अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जो अपडेट हमें मिल रही है वो कहीं ना कहीं दुखद अपडेट है, क्या कुछ जानकारी? देखिए बिल्कुल जिस तरह से कल सुबह से ही जिस तरह से आस लगाए हुए थे कि पिछले 24 घंटे में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है वो कहीं ना कहीं सफल रहेगा और लोकेश के निकलने तक भी लोगों को ये उम्मीद थी कि लोकेश शायद जिंदा हो, लेकिन अभी आधिकारिक रूप से विदिशा कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने ये बयान दिया है कि लोकेश को बचाया नहीं जा सका, उसे शासकीय चिकित्सालय लठेरी लाया गया है। अब आगे ये देखना होगा कि जिस तरह से ये लापरवाही लगातार हम देखते आ रहे हैं कि बोरवेल में बच्चों को गिरने की जो घटनाएं हैं पूरे प्रदेश सहित देश में, और लगातार खुले बोरवेल छोड़े जाते हैं और उसमें खुले बोरवेल में मासूम इसका शिकार हो जाते हैं, खेलते वक्त या किसी खेत पे जाते समय उसमें गिर जाते हैं, ऐसे लोगों पर प्रशासन क्या कार्रवाई करता है और इस मामले में क्या कार्रवाई होगी? इस तरह के मामले जो आते हैं उन पर कार्रवाई क्यों नहीं होती? इस प्रशासन इस तरह के खुले बोरवेल रखने वाले लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करता? अब लोकेश को जिस हॉस्पिटल में लाया गया है यही वो लठेरी का हॉस्पिटल है, चिकित्सालय है जिसमें लोकेश को भर्ती कराया गया है और यहाँ पर सबको उम्मीद थी, एक आस बनी थी कि यहाँ तक कि आसपास के लोग, तमाम लोग, ये भीड़ जो खड़ी है ये पूरी उम्मीद के साथ थी कि शायद लोकेश बचा हो, लेकिन अब लोकेश को नहीं बचाया जा सका ये पुष्टि आधिकारिक रूप से कर दी गई है। और ये बड़ी लापरवाही किसानों की तरफ से भी, प्रशासन की तरफ से भी, जिस तरह से खुले बोरवेल रखे जाते हैं, तो हम जनता से कुछ लोगों से बात करेंगे कि ऐसे लोगों के खिलाफ क्या कार्रवाई होना चाहिए। भाई साहब ये जो घटना घटी है, जो बोरवेल खुले छोड़े जाते हैं, इन पे क्या आप कहना चाहेंगे? ये बहुत दुखद घटना घटी है। हम सब जानते हैं कि ऐसी कई सारी घटनाओं को हम समय समय पर देखते रहते हैं लेकिन किसी भी घटना के बाद ऐसा कोई निर्णायक कदम नहीं उठाया जाता कि आगे वो घटित ना हो। लोकेश का जाना निश्चित रूप से एक गंभीर लापरवाही है। मेरा शासन प्रशासन से एक आग्रह है कि इस प्रकार के जो बोरवेल खुले रहते हैं उन पर सख्ती पूर्वक उनको बंद होना चाहिए। तो अब इस मामले में जैसे कि ये मामला घटा है, इसके बाद लोग, स्थानीय लोगों की क्या मंशा है कि किस तरह से जो बोरवेल खुला छोड़ा था उस पर कार्रवाई हो? नहीं, निश्चित रूप से सबकी अपनी जिम्मेदारी है, सब पे कार्रवाई होना चाहिए, उनको बंद करना चाहिए और विशेषकर शासन को ये तय कराना चाहिए कि जिसके खेत में इस प्रकार की
बोरवेल खुले पाए जाते हैं उसके ऊपर गंभीर जुर्माना लगा चाहिए, यही एक समाधान इसका नजर आता है। यहाँ पर हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे पूछेंगे भाई साहब क्या लापरवाही हुई इस पूरे घटनाक्रम में। देखिए निश्चित रूप से लापरवाही हुई है और मैं तो समाज के सभी वर्गों से ये कहना भी चाहूँगा, लोगों को भी जागरूकता की आवश्यकता है, लोग स्वयं अपनी इस जिम्मेदारी को समझे। प्रशासन जगह जगह इतना ध्यान नहीं दे पाता है, लोग स्वयं आगे आके इस तरह के कामों को रोके ताकि इस तरह की घटना आगे घटित ना हो। ये दुख का क्षण है इस क्षेत्र के लिए, उस गाँव के लिए, उस परिवार के लिए, हम सब लोगों की उस परिवार के लिए संवेदना है। ईश्वर उनको इतनी शक्ति दे, इतना संबल दे कि वो इस दुख की घड़ी से उभरे। मैं आगे सभी लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूं कि ये लापरवाही दोहरा ना जाए, सब सजग होकर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करें। तो देखिए जिस तरह से स्थानीय लोग भी ये चाहते हैं, किसानों से अनुरोध भी कर रहे हैं, प्रशासन से कार्रवाई की मांग भी कर रहे हैं कि जिस तरह से ये बोरवेल जो खुले छोड़े जाते हैं उन लोगों पर कार्रवाई की जाए और आगे इस तरह की जो घटनाएं हैं उनको रोका जा सके। जैसे कि विदिशा कलेक्टर ने भी अभी बयान में बोला कि जो भी लोग इस तरह के खुले बोरवेल छोड़ते हैं उनको जागरूक किया जाएगा, अगर ऐसा फिर भी करते हैं तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में भी कड़ी कार्रवाई की कलेक्टर ने कहा है। तो अब एक जो बच्चा जो पिछले 24 घंटे से लोकेश जिंदगी और मौत के बीच में जो जंग लड़ रहा था वो अब इस दुनिया में नहीं रहा, उस परिवार के लिए दुखद घड़ी है, उस परिवार के लिए पूरे क्षेत्र के लोग यहाँ पर सांत्वना देने के लिए खड़े हैं, उसके लिए ढांढस बनाने के लिए खड़े हैं। तो इस तरह से अब यहाँ पर एक दुख की घड़ी बिल्कुल क्षेत्र में, बिल्कुल सुरेंद्र यहाँ पर दुख की घड़ी है, लेकिन अब इसी दुख की घड़ी के साथ इस पूरी घटना के साथ तमाम सवाल भी उठते हैं कि आखिर प्रशासन अंत में क्यों जागता है। और प्रशासन इस तरह की पहली घटना नहीं है, और भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी है और आए दिन होती रहती है, तब क्यों नहीं उससे शिक्षा लेते हुए इस पर कुछ कड़ा एक्शन लेता है प्रशासन। बिल्कुल निश्चित तौर पर यहाँ पर लापरवाही लगातार हम देखते आ रहे हैं, प्रदेश में पहले भी कई अन्य जगह इस तरह की घटनाएं घटी हैं और कई दिनों तक रेस्क्यू चलाया जाता है जिसके बाद बच्चों की जान चली जाती है, और ये भी इस मासूम की भी एक जरा थोड़ी सी लापरवाही के कारण उसकी जान चली गई। और यहाँ तक कि पूरी 24 घंटे रेस्क्यू चला, पुलिस प्रशासन की टीम, प्रशासन के पूरे तमाम आला अधिकारी लगातार ये बयान करते रहे कि लोग इस खुशायद बचा लिया जाए। प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का भी सुबह बयान आया था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि लोकेश को बचाया जा सके। जिले के प्रभारी मंत्री बिस्वास सारंग का बयान आया था कि पूरी कोशिश कर रहे हैं प्रशासन की उसको बचाया जा सके, लेकिन अब आधिकारिक तौर पर ये पुष्टि हो चुकी है कि लोकेश इस दुनिया में नहीं रहा है। लोकेश को अब संभवतः पोस्टमार्टम के बाद यहाँ से उसके परिजनों को सौंप दिया जाएगा और इस दुख के क्षण में पूरे क्षेत्र में दुख की लहर, बिल्कुल पूरे क्षेत्र में दुख की लहर भी है और अंत तक की उम्मीद जताई जा रही थी कि लोकेश को सुरक्षित बाहर निकाला गया है तो अब वो बिल्कुल सुरक्षित रहेगा।